बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद कुछ गरीब महिलाओं के साथ सीएम आवास पहुंचती हैं और फिर उन महिलाओं के लिए एक बड़ी मांग कर देती है। फिर सीएम चंपई सोरेन क्या अंबा प्रसाद की बात मानते हैं और क्या कुछ आश्वासन देते हैं, पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि अंबा प्रसाद हाल में चर्चा में तब आई थी जब चंपई सोरेन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। उसके बाद खुद अंबा प्रसाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि सीएम चंपई सोरेन को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कुछ महीने पहले ही इस मांग को उठाया था कि झारखंड के लोग गरीब हैं, उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए। और सीएम ने अब इस बात का ऐलान किया है, इस बात की घोषणा की है, ये फैसला लिया है, इसके लिए सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आते हैं मुख्य खबर पर। आखिर अंबा प्रसाद रात में महिलाओं के साथ क्यों पहुंचे सीएम आवास? बता दें कि बड़कागांव में विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये अब राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बड़कागांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां एनटीपीसी हो या अडानी के प्लांट्स हों, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है अपने काम को शुरू करते हैं और ज़मीन अधिग्रहण करते हैं और फिर इन लोगों को बसने की जगह नहीं देते, मुआवजा नहीं देते और कई बार इन कंपनियों पर ज़बरदस्ती करने का आरोप भी लगता है। अंबा प्रसाद ने भी इसी मसले को उठाया, कहा कि सीएम से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा है कि जो हजारीबाग के डीसी हैं वो इस पर मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि अंबा प्रसाद ने कहा कि मैं लंबे समय से इस बात को लेकर संघर्ष करती रही हूँ, केंद्र सरकार इसमें सीधा इंटरफेयर करती है, एनटीपीसी या अडानी की जो प्लांट्स हैं, जिनकी जो कंपनियां हैं वो यहाँ मनमानी कर रही है। मैं लंबे टाइम से इन लोगों के साथ हूँ लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और आज बाकायदा सीएम से मिलने आई हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन विस्थापितों को राहत मिलेगी। बता दें कि झारखंड में विस्थापितों का एक अलग ही दर्द है। वहाँ पर जो पूंजीपति हैं उनकी ज़मीन ले लेते हैं लेकिन उसके बदले में कई बार मुआवजा के लिए, नौकरी के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और ज़मीन भी सस्ते दामों में, औने पौने दामों में खरीद ली जाती है। और झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जयराम महतो कि जो अब राजनीति है इन्हीं विस्थापितों के आधार पर चमकी है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जो विस्थापित लोग हैं उनको, जो कंपनियां हैं उनको मुआवजा देने के लिए हम विवश कर देंगे। और यही वजह है कि जो अन्य पार्टियां हैं या उनके जो क्षेत्रीय नेता हैं, जिस विधानसभा में ये सब जो है अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ के विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शंकित हैं कि अगर वो इस मसले को ज़ोर शोर से नहीं उठाते हैं तो फिर उनके लिए दिक्कतें होंगी विधानसभा चुनाव में। हालांकि अंबा प्रसाद जो है वो कई बार विस्थापितों के साथ देखी गई हैं, धरना प्रदर्शन करती हुई देखी गई हैं, ज़मीन पर संघर्ष करती हुई देखी गई हैं, लेकिन झारखंड में कई सरकारें आई और गई हैं लेकिन इन विस्थापितों का दर्द जो है वो कोई भी बांट नहीं सका है, उन्हें कोई भी राहत नहीं दे सका है। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या विस्थापन का मसला विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और क्या वाकई में क्या जो विस्थापित लोग हैं उन्हें कभी न्याय मिल भी पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।